मैं रिजवाना रानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये बिरयानी की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही इजी वे में बनाएंगे और आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बिरयानी बनाने की विधि को बताने की कोशिश करूँगी, साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दूँगी जो आपके बिरयानी बनाने में कारगर साबित होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ये मैंने 1/2 kg सेला चावल लिया है, आप चाहें तो कोई दूसरा चावल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी सेला चावल, जिसे धोकर मैंने 2 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दिया है। अब मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, इसे भी धोकर साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे कुछ मसालों के साथ, आप इन मसालों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा लेंगे, 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, 125 ग्राम दही लिया है, 7 से 8 पीस से चीरे लगा कर दिए हैं, 5 से 6 लौंग लिए हैं, 2 छोटी इलायची, 10 से 12 कली काली मिर्च, 2 इंच दालचीनी के टुकड़े को तोड़ देंगे और इसे डाल देंगे। अब इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों तेल डालेंगे और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। मैरिनेट करने से चिकन इन मसालों का एक्सट्रैक्ट अपने अंदर सोख लेगा और बिरयानी का स्वाद भी बढ़ाएगा। अब पानी तैयार करने के लिए मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच साबुत सौंफ, 5 से 6 तेज पत्र लेंगे। पानी की मात्रा भी मैंने टिप्स बॉक्स में डाली है। दो ग्लास चावल लिया था मैंने, इसमें मैं 3 ग्लास पानी डालूंगी। इन तीनों चीजों को पानी में डालकर उबालने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। धनिया, सौंफ और तेज पत्र, देखिए ये पानी हमारा उबल रहा है, अच्छे से बॉईल करना है इसका कलर चेंज होने तक। मैंने गैस फ्लेम ऑफ कर दिया है। पानी उबलने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा हमारा पानी। अब हम 2 मीडियम साइज प्याज लेंगे, जिसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। बिरयानी बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ाया है, इसमें हम तेल डालेंगे। मैंने 2 चम्मच सरसों तेल और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, आप किसी भी तेल के साथ बना सकते हैं। अब मैंने ये जो चॉप अनियन है इसे मैं इसमें डाल दूंगी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी।
अब ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्याज का यूज हम टॉपिंग के लिए करेंगे। बचे हुए तेल में हम चिकन जो मैरिनेट करके रखा है हमने वो डालेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन गलने तक इसे हम ढककर पकाएंगे। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड करना है। ये देखिए हमारा चिकन लगभग पक चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे जो हमने 2 घंटे पहले भिगोए थे। अब ये पानी जो हमने तैयार किया था वो ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक डाल देंगे क्योंकि चावल में हमने नमक नहीं डाला था। अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे जब तक हमारा चावल पानी सोख ना ले। इधर मैंने पहले से ही एक तवा रख रखा है चूल्हे पर, इसके ऊपर हम पकाएंगे अपने चावल को। ये टॉपिंग के लिए मैंने फूड कलर केवड़ा वाटर में ऐड करके रखा है और ये फ्राइड अनियन जो मैंने पहले फ्राई किए थे। ये देखिए चावल हमारा बिल्कुल पानी सोख लिया है। अब इसमें हम अपना कलर ऐड करेंगे। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, आप 2 कलर में भी इसे बना सकते हैं। मैंने इसमें ऑरेंज कलर लिया है जिसके साथ मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया है और ये फ्राइड अनियन। इसे अच्छे से बिछा लेंगे। अब हम इसे स्टीमिंग के लिए चढ़ाएंगे जिसके लिए मैंने इसे फॉइल पेपर से अच्छे से रैप कर लिया है और इसे हम 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे फ्लेम ऑफ करके इसे 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इसमें खुशबू भी ज़बरदस्त आएगी और खाने में भी बहुत ही लजीज होता है। ये होटल का बिरयानी खाना आप भूल जाएंगे। ये देखिए झटपट से बन गई ये रेसिपी। बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग अलग आपको दिखेगा। ये रही हमारी प्लेटिंग। वीडियो के अंत में मैंने 3 टिप्स दिए हैं जिसे आप ज़रूर फॉलो करें, आपके लिए ये सहायक साबित होगी।
आपकी बिरयानी कभी भी ख़राब नहीं होगी। टिप्स नंबर 1, इसमें चावल और पानी के अनुपात को दर्शाया गया है। टिप्स नंबर 2, इसमें चिकन और दही की मात्रा को दर्शाया गया है। टिप्स नंबर 3, इसमें दम करने के लिए बिरयानी को किस किस चीज़ से पैक कर सकते हैं इसे दर्शाया गया है। आप इसमें से सुविधा अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।